अब देखो यार, अगर तुम लोग ब्लड लाइन के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइस WWE के क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर ब्लड लाइन के सिविल वॉर के अंदर सोलो सकुआ की टीम के रोमन रेंस को नीट एंड क्लियर बीट करने के बाद अब आज यहां पर क्राउन ज्वेल के फॉलोआउट स्मैकडाउन के ऊपर ब्लड लाइन का सेकेंड सिविल वॉर बिगेन होने वाला है। गाइस यहां पर ये चीज तो हम सभी लोगों ने देखी, क्राउन ज्वेल पेपर व्यू के ऊपर सोलो सकुआ ने रोमन रेंस को पहली बार नीट एंड क्लियर पिन किया और मैच के ओवर होने के बाद हमें यहां पर सैमी जेन रिंग के अंदर आकर ओजी ब्लड लाइन के लिए मदद करते हुए दिखाई देते गए, बट गलती से सैमी जेन यहां पर शो के ऊपर रोमन रेंस पर अटैक कर देते गए और अब यहां पर आज स्मैकडाउन के ऊपर ये पूरी स्टोरी लाइन फॉलो अप होने वाली है, जहां पर हमें स्मैकडाउन के ऊपर डेफिनेटली यहां पर रोमन रेंस ऊसोज के साथ देखने को मिलेंगे और हमें यहां पर शो के ऊपर सैमी जेन ब्लड लाइन के ड्रामा के अंदर एक बार फिर से इन्वॉल्व होते हुए दिखाई दे सकते गए, जहां पर इस ड्रामे के अंदर सैमी जेन और रोमन रेंस के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और इसके अलावा शो के ऊपर डेफिनेटली सोलो सकुआ और न्यू ब्लड लाइन के मेंबर आज यहां पर रोमन रेंस को मॉक करने वाले गए और गाइस WWE के अपकमिंग पेपर व्यू सर्वाइवर सीरीज के ऊपर एक बार फिर से यहां पर न्यू ब्लड लाइन वर्सेज ओजी ब्लड लाइन के बीच में हमें यहां पर टैग मैच देखने को मिलेगा, बट इस बार मैच यहां पर सिंगल ना होकर बल्कि वॉर गेम मैच होगा और ये देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे ड्रामे के अंदर रॉक यहां पर उनका रिटर्न कब करते गए और जेका फातू के बाद जिला फातू और हिको लियो जैसे रेसलर ब्लड लाइन के ड्रामे के अंदर डेब्यू कब करते गए। वाला आप यहां पर स्मैकडाउन के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे।